पश्चिम चंपारण जिले के अधिकांश गांव में आज भी व्यवस्था और पूंजी के अभाव में लोग आज भी चापाकल के जगह कुएं के पानी पीते हैं, जिसकी सफाई और जीर्णोद्धार समय से हो, इसलिए भारत सरकार इसे मनरेगा से जोड़कर इसे सार्वजनिक संपत्ति का रूप दिया, देख रेख पंचायत प्रतिनिधियों को दिया, लेकिन लोगों का इसका लाभ मिलता दिख नहीं रहा है। ग्राम हरकटवा पंचायत रूपोलिया का एक छोटा सा गांव है। इसी गांव के गीता देवी, सरोज देवी और गांव के सारी महिलाएं वार्ड संख्या 4 के कुएं के पानी के अभी भी घर का सारा काम एवं स्नान कुएं में ही करती हैं, जिस कुएं के जीर्णोद्धार नहीं होने से ऊपर का गंदा पानी फिर कुएं में चला जाता है और वही पानी, इस गंदे पानी को ही पीना पड़ता है। मुरी सबके जड़ बा, मोरी के लादे वो सारा पानी चल जाए, होने उतने बहुत बा हमने के इनार बना। इससे सब पब्लिक के परेशानी हुई, सब पब्लिक परेशानी बा इनार से। इतना बड़ा कीड़ा फरल में केचुआ उचुआ का खाना पानी पिए के बुझला मुँह में नहीं जाए तो बहरे इकलला केकर कल में जाए जाए दो दिन तीन दिन भरे दिए। इनार में कौन चीज के दिक्कत है? इने नली चाहिए, नली के तरह रोड भराय लगल तो बंद हो गई। तो अब पानी की निकासी कैसे होला? अब पानी की निकासी के नहीं हो जही ना देत रह सत केने बही अब वही ना। हां अब रोड में पानी जा बहा दे तब कथि करल जाई? पानी पिन लोग तर लोग दिक्कत नहीं के होई, बीमारी नहीं के हो पीएलएस बीमारी नहीं के होई। गोर धुआता हाथ धुआता ये में ये पानी पियो तन जा, ये पानी से खाना बना तन जा। मैं भी इसी पंचायत की एक महिला हूं और इस समस्या का सारा दंश मेरे ही जाति और समुदाय के लोगों को झेलना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस गांव के लोगों को गंदा पानी पीने से मुक्ति मिले, जिसके लिए इस कुएं का जीर्णोद्धार कराया जाए और गंदे पानी की निकासी के लिए नाला बनाया जाए। आप सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि आप भी हमारी इस लड़ाई में सहयोगी बने, जिसके लिए कार्यक्रम पदाधिकारी का मोबाइल नंबर है 9006976257। इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं तंजू, पश्चिम चंपारण बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।